बहुत बुरी स्थिति आपके इस गांव की अव्यवस्था को आलमपुर इस पूरे इस स्कूल में है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? वो तो दिख रहा है, घर तो दिक्कत तो है ही है जी। अब ये बताओ, रास्ता भी नहीं है, रास्ता हम किसी खेत में तो ले नहीं सकते किसी में जी। अब ये लिख के दे अध्यापक दे रहे, हम तो कुछ कराए। फिर ये जो पूरा चक्रोड है वो पूरा कब्जा कर रखा है लोगों ने, उसको घूरे डाल रखे हैं। अभी करवाते हैं उसको, हम ट्रैक्टर मंगा लिया जी, सही करा रहे हैं। इस स्कूल में कई ऐसी चीजें हैं, कमरे में लकड़ियां भरी पड़ी हैं, कई कुर्सी टूटी पड़ी है। डीएम का आदेश है कि जो खाना बनेगा वो सिलेंडर पर बनेगा, चूल्हे पर बन रहा है, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं आपके हाथ में है और कौन सी व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है अब तक? अभी तो बता, हमने तो करा दिया, वो तो सब दे दिया है ना, उसमें हो गया, कनेक्शन भी हो गया है शायद इसका जी, बस लाए नहीं है लोग जी। तो अब ये तो इनकी जिम्मेदारी है, टीचर लोगों की, ये कहाँ लाए जी। स्थिति है कि अब बिजली तो है लेकिन अब पंखे नहीं चलते यहाँ पे, और पंखे भी लगे हैं तो टूटे, कनेक्शन कुछ नहीं है। इससे ज्यादा बदतर स्थिति किसी स्कूल की नहीं है। तो क्या आप लोग, आपने कभी किसी बड़े अधिकारी आपने शिकायत की इसको लेकर? भाई इन्होंने की है, दो चार जगह बता रहे हैं, हमने तो नहीं बात। इनका साथ ये कहना है हमने लिखित किसी से नहीं कहा, मौके हमने कहा है, मौके भी कौन सुनता है भाई, लिखित देगा तभी तो होगा। आप के द्वारा किस तरह का आश्वासन आवाज मिलेगा जिससे कि कुछ यहाँ बेहतर काम हो सके? देखते हैं, 10-12 दिन में करा देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए बाइक से भी आना संभव नहीं है यहाँ इस गांव में। बीच में जो गली है वो पूरी तरह बंद पड़ी है, वो तो बंद है, कराते हैं उसको, कुछ उम्मीद करें आपसे हम। हाँ हाँ ठीक है, दो चार दिन में दोबारा आप जुटाएं तो देखना साफ मिलेगा। उसका अपना मकान पे